आमदई माइंस में रोजगार को लेकर छोटे डोंगर के आमदई प्रभावित पंचायतों के लगभग 300 युवाओं ने आमदई माइंस के जीरो पॉइंट पर आंदोलन शुरू कर दिया है। स्थानीय बेरोजगार युवाओं ने माइंस के सभी वाहनों के लौह अयस्क परिवहन में रोक लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इन युवाओं का कहना है कि आमदई माइंस में माइनिंग कार्य शुरू होने से पहले प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को रोजगार देने और प्रतिवर्ष बेरोजगार युवाओं की कंपनी में भर्ती करने का वादा निको कंपनी द्वारा किया गया था, लेकिन एक वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी कंपनी द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया नहीं कराया जा रहा है। युवाओं ने आगे कहा कि रोजगार की मांग को लेकर कंपनी प्रबंधन और कलेक्टर से भी गुहार लगाई गई, लेकिन कंपनी और कलेक्टर के द्वारा जल्द भर्ती करने की बात अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है। स्थानीय बेरोजगार युवाओं का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग इस मांग को लेके बैठे हैं जीरो पॉइंट निको कंपनी जायसवाल इंडस्ट्रीज में। सभी बेरोजगार मजदूर, हमको रोजगार चाहिए और निको कंपनी का कहना था कि प्रत्येक वर्ष में भर्ती लिया जाएगा प्रत्येक घर से एक एक सात पंचायत के, लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, इसलिए हम लोग धरने पर बैठे हैं। सात पंचायत से युवा जमा हो गए हैं हम लोग और हम रोजगार की मांग को लेकर आज बैठे हैं और निको जायसवाल कंपनी को हम लोग कितना ही बार मिलने का, उनके अधिकारी से मिलने का कितना ही बार कोशिश किए हम लोग, फिर और कई जगह हम लोग शासन प्रशासन में भी पर्ची दाखिल हम लोग अपना किए हैं और नहीं हो पाया है। तो हम लोग का मकसद ये है कि हम लोग गाड़ी रोकना ये हम लोग का मकसद नहीं है। हम लोग को कोई अधिकारी बोल दे कि तुम लोग को एक महीने, डेढ़ महीने, दो महीने के बाद भी लगाएंगे, अभी बरसात है, तो हम लोग मान जाएंगे। आमदई माइंस में रोजगार को लेकर स्थानीय युवक जो हैं लगभग 300 से 400 युवक जो हैं यहाँ पे लामबंद हो गए हैं। इन युवाओं का कहना है कि निको ने आमदई माइंस में माइनिंग का कार्य शुरू होने से पहले निको कंपनी ने युवाओं से, यहाँ के स्थानीय लोगों से वादा किया था कि प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को रोजगार मुहैया कराया जाएगा, प्रत्येक वर्ष रोजगार दिया जाएगा, परंतु एक वर्ष बीतने के बाद भी इन युवाओं की भर्ती यहाँ पे निको प्रबंधन के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इससे जो है यहाँ के जो स्थानीय युवा हैं वो लामबंद हो गए हैं और जीरो पॉइंट पे आकर धरने पर बैठ गए हैं और जो माइनिंग की सभी गाड़ी हैं उनको रोक दिया है और माइनिंग पे आने जाने पर रोक लगा दिया है। इन युवाओं का कहना है कि इनकी मांग जब तक पूरी नहीं होती, निको प्रबंधन या शासन प्रशासन इनकी बात को जब तक नहीं सुन लेता तब तक ये यहाँ से हिलेंगे नहीं, इसी तरह उग्र आंदोलन पे डटे रहेंगे। छोटे डोंगर से संतोष मजुमदार, रफ्तार मीडिया।